वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चल रहे होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके नए वीडियो के साथ। तो आज है बड़ा दिन, क्रिसमस डे। आप सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग कैसे मनाते हैं नया साल, नया क्रिसमस डे? तो कैसे मनाते हैं आप प्लीज़ वीडियो शेयर करिएगा। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पार्क। तो पार्क में ये है हमारी शहीद स्मारक पार्क। यहाँ देखिए कितनी भीड़ है, यहाँ पे बच्चों के झूले हैं। बच्चों के झूले झिलाने के चक्कर में और बच्चों को प्ले करने के चक्कर में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर देखिए सभी बच्चे आए हुए हैं, कितनी सारी भीड़ है। और अभी दोपहर का बज रहा है 1:30, और अभी से देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ से अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग जाएंगे चर्च। तो पहले हम बच्चों को झूला झूला देते हैं। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा जिद हो रही थी कि मतलब मैं पार्क जाना है, झूला झूलना है, झूला झूलना है। यहाँ पे है भी झूले बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये पूर्ति तो देखते ही भाग गई है अपने अकेले ही। और ये हिरन लग रहा है, अभी इतने अच्छे लग रहे हैं। देख के आ रहा हूँ। यहाँ पर सबके पहले से देखे हुए झूले हैं और श्रीराम जी बिल्कुल बस तैयार हैं। देखिएगा अभी पूछी को, देखिएगा कितनी तेज भागी हुई झूले के पास, क्योंकि अकेले इतनी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन नहीं, ये देखिए श्रीराम जी तो पापा के पास बैठ गई, लेकिन वो पहले गई। हमारी पूर्ति बहुत एक्टिव है, देखिए अकेले ही चढ़ी जा रही है, भले गिर जाएं। कितनी ज़्यादा ऊंची सीढ़ियाँ हैं और ये झूला भी काफ़ी ऊंचा है। तो अगर नहीं पकड़िए तो बच्चे बिल्कुल चोट खा जाएं या मिट्टी लग जाती है ज़मीन में। ये देखिए बिल्कुल अकेली जा चुकी है, ये इनको पकड़ना पड़ता है, नहीं तो मिट्टी में जाके गिरती है। ये देखिए, और सामने ये देखिए रोड बनी हुई है ना, तो लग सकता है अगर ज़्यादा प्रेशर से कोई आता है बच्चा। तो बस बच्चों की खुशी के लिए, घुमाने के लिए निकले हैं हम लोग। और ये बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं। तो मूंगफली वगैरह सब ले के आए हैं कि पिकनिक मनाएंगे। इनको बहुत पसंद है पिकनिक वगैरह मनाना। तो यहाँ पे देखिए सूर्यांशी भी स्टार्ट हो गई हैं झूला झूलने के लिए। तो ये देखिए छोटी सी बच्ची कह रही है आओ आओ, लेकिन खुद नहीं चढ़ रही है, बस आओ कर रही है। वो देखिए येलो कलर की फ्रॉक पहनी है, कि मम्मी पापा दोनों खड़े हैं लेकिन ऊपर नहीं चढ़ रही, लेकिन बस आइए आइए कर रही है। ये देखिए पूर्ती, बहुत मज़ा आ रहा था पूर्ती को। ये देखिए सामने वाला है ना, देखिए ज़मीन में गिरी है, देखिए मिट्टी भी काफ़ी कपड़ों में लगा ली है। तो बच्चों के झूले झूलने की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। यहाँ पे झूले भी अच्छे हों, यहाँ पे एक्सरसाइज मशीनें भी लगी हैं पीछे साइड में, मैं भी आपको दिखाऊँगी लास्ट में। बहुत अच्छी अच्छी मशीनें हैं जो जिम वगैरह करने के लिए जिम में लगी होती हैं, जिमिंग के लिए। क्योंकि मैंने भी जिम किया हुआ है पहले, मैंने करीब जब मैं जॉब करती थी तब मैं जिम करती थी। ये देखिए इससे आ रही है, ये पकड़ना पड़ता है इस तरह से, वरना फिर नीचे ज़मीन में चली जाती है ये। और सूर्यांशी भी कर रही थी, और देखिए अपने अकेले ही भागी जा रही हैं। ये देखिए बिल्कुल कहना नहीं मानती है, और मुझसे तो दौड़ा भी नहीं जाता है, यही दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे। ये देखिए सूर्यांश जी को बड़ी चिंता रहती है अपनी बहन की, लेकिन वो इसका कहना मानती नहीं है, उल्टा जो है झगड़ा कर देती है और रोने लगती है। ये लोग जा रहे हैं आगे की साइड में, वहाँ पे भी झूले हैं और एक्सरसाइज मशीनें भी हैं। देखिए कितनी पब्लिक है यहाँ पे, कितने बच्चे हैं। धूप भी अब एक्चुअली क्या है कि धूप पेड़ों की वजह से थोड़ा सा छांव हो जाती है। तो यहाँ पे आए हमें कम से कम 1 घंटा हो गया है अभी तक।
ये देखिए सामने येलो कलर का झूला दिख रहा है, वहाँ भी काफ़ी भीड़ हो चुकी है, नंबर लगे हुए हैं सबके, और ये मूंगफली खा रहे हैं। ये देखिए ये झूला, पूरी देखिए तो सबसे आगे है, सबसे आगे चढ़ी हुई है, इनको पकड़ना पड़ता है, बहुत ऊंचे थे ये झूले। ये देखिए अगर नहीं पकड़ेंगे तो आप बच्चे जमीन में चले जाएंगे, काफी ऊंचा भी था। सभी लोग बच्चों को पकड़ रहे थे, नहीं तो फिर चोट लग सकती थी। झूले की वजह से ही बच्चे यहाँ पे आते हैं और इंजॉय करते हैं, और बच्चों की खुशी में ही सबकी खुशी होती है। प्रियांशी भी काफ़ी टाइम से कह रही थी मुझे जाना है जाना है जाना है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन ये पूर्ति को तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, पूर्ति तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी, बार बार झूले के लिए जा रही थी। ये देखिए और ये देखिए ये है मशीनें यहाँ की, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये देखिए और पूर्ति तो बिल्कुल मान ही नहीं रही थी, हम लोग कहीं और जा ही नहीं पा रहे थे, बस वो झूले में लगी थी। ये देखिए इतना ऊंचा था कि बच्चे भी सोचते थे कैसे जाऊं मैं नीचे किसे जाऊं। और ये देखिए एक बच्चा तो बैक हो गया बिल्कुल, जो आगे था वो तो झूला भी नहीं, और ये देखो आगे। तो आज का दिन तो बच्चों के नाम पे है, और ये पकड़ पकड़ के बार बार ले जा रहे हैं, बार बार ये वापस यहीं पे आ रही है। ये देखिए भाग गई, दौड़ दौड़ के पकड़ना पड़ रहा था मूर्ति को। और ये यहाँ पे देखिए ये बने हुए हैं कमांडोज की मूर्ति बनी है, जैसे वहाँ पे बॉर्डर वगैरह में और रहते हैं उस तरह से बना हुआ है। तो जब यहाँ पे शहीद दिवस होता है तो बहुत डेकोरेशन के साथ साथ यहाँ पे योगी वगैरह भी आते हैं, फूल माला वगैरह चढ़ाते हैं शहीदों को याद करके। ये सामने देख रहे हैं आप छोटे छोटे से बने हुए थे, यही है। और अब हम लोग चलते हैं आगे की साइड के झूले झूलने के लिए। हम लोग को झुलाकर जब ये लोग अच्छे से कहेंगे हाँ ठीक है अब मैं झूल चुकी हूँ तभी ले जाना है, अदरवाइज ये लोग जाएंगी ही नहीं। मैं सारा दिन झूलती रहे, उन लोग का जी नहीं भरता। यहाँ पे झूले भी अच्छे हैं बच्चों के हिसाब से, मतलब चोट भी नहीं लगनी, और सारे झूले ही हैं। बेटा यहाँ से लोग वाले झूले झूलो, ये वाली स्लाइड तो हो गई है, वाला झूलो भी झूलो, वो वाला वहाँ का। चलिए चलते हैं आगे के साइड के भी झूले झूला देते हैं। पब्लिक तो आ ही रही है अभी, काफ़ी भीड़ तो आ ही रही है, और फाइनली अब बच्चों का झूला जो मेन है वो मिल गया है। तो ये काफ़ी नीचे है तो छोटे बच्चे भी झूल सकते हैं, और गिरने का भी डर नहीं है। और वो झूला तो काफ़ी ऊंचा था तो सुत्यांशी ने तो एक बार झूल लिया हिम्मत करके, लेकिन पूर्ति को तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था और बिल्कुल खड़ा झूला था कि डायरेक्ट नीचे ही आ जाए बच्चा, इतना ज़्यादा मतलब नीचा था। तो यहाँ पे दोनों बच्चे झूल रहे हैं ये वाला झूला, तो इस झूले के लिए तो काफ़ी वेट भी करना पड़ा क्योंकि और बच्चे हट ही नहीं रहे थे। और फिर मैं आ गई हूँ इधर, जो जिम वगैरह में करती थी, तो मैंने कहा चलो देखते कोशिश करके कर पाएंगे कि नहीं। मैं कर रही थी और यहाँ पे पूर्ति कर रही थी मैं भी करूँगी, तो मैंने कहा आ जाओ
मेरी गोदी में बैठ करके इस तरह से कर रही थी। लेकिन मानिए बहुत दर्द हो रहा था, बाद में समय नहीं समझ में आ रहा था। दूसरे दिन मुझे काफ़ी पेन रहा, जहाँ पे टाके वगैरह है मेरे ऑपरेट हुआ था। तो फिर मैंने फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, फिर मैंने सिकाई वगैरह की वहाँ पे लोअर एब्डोमिनल की, तो थोड़ा सा आराम मिल गया है। और चलिए फिर दिखा दिया आपको, सारे झूले वगैरह भी दिखा दिए हैं। तो ये देखिए फाइनली एक और झूला झूल रही हैं। तो कोई झूला आज बचा नहीं है इस पार्क का, तो सभी झूले झूला दिए हैं बच्चों को। तो ये देखिए जब दस्ती पकड़ के इनको गाड़ी पे लेकर आए हैं कि किसी तरह ये मान जाए, बिल्कुल नहीं माननी थी। इसको आगे खड़ा किया कि तुम्हें आगे खड़ा करेंगे, तभी जाके मानी है। और चलिए अब चलते हैं घर, देखते हैं अब कहाँ निकलते हैं, घर चलते हैं या कहीं और। तो मैं सोच रही थी चर्च, बच्चे कह रहे थे चर्च चलिए, मॉल चलिए, तो देखते कहाँ चलते हैं। तो आप लोग भी चलिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। और मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग से नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने इस वीडियो को अपना प्यार और अपना बन जरूर दीजिएगा। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैप्पी क्रिसमस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सबसे नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।